सबसे चर्चित नरसंहार अगर हुए हों तो अरवल का नाम सबसे पहले आता है। इन नरसंहारों का दौर जो है लगातार जमीन संबंधी विवादों के लिए रहा है और हम अभी खड़े हैं अरवल का ये बंदोबस्त कार्यालय है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बंदोबस्त कार्यालय के सारे कार्य जो है संचालित किए जा रहे हैं। इस कार्यालय में आपका IAC के द्वारा जो है नक्शे तैयारी किए जाने के बाद यहाँ जो कर्मी लगातार जो हैं तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा जो है इन सभी कार्यालय में जो है जमीन संबंधी जो काम होते हैं वो हो रहे हैं। लेकिन बात यह रही कि पूरे बिहार में 160 जो बंदोबस्त कार्यालय जो है उसमें 160 जो है कर्मी जो है फर्जी पाए गए हैं, जिनकी दस्तावेज जो है फर्जी है, जो सिविल इंजीनियर करके कई डिप्लोमाधारी इसमें निदेशालय के द्वारा बहाल की गई थी, जिसमें 160 पूरे बिहार में 20 जिलों में ये काम चल रहा है, जिसमें अरवल भी शामिल है। अरवल का छोटा जिला होने के नाते कार्य प्रारंभ किया है, लगभग 80% यहाँ जो है कार्य प्रारंभ किए गए हैं। यहाँ भी लगभग 11 फर्जी जो है जो विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है पाए गए हैं, जिन पर जो है प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही है। हम यहाँ बात किए जिसमें जानकारी अधिकारियों ने दिया कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के 11 जो है बहाली फर्जी पाई गई है। पूरे बिहार में 160 पाया गया है, उन पर सभी पर जो है प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही जो मानदेय की राशि जो है जितने महीने की उन्हें मानदेय दी गई है वो राशि की भी वसूली करने की पूरी तैयारी है। मेरे कार्यालय में संविदा पर जो SS अमीन, SS कानूनगो और SS ये कार्यरत हैं, उसमें डायरेक्टर द्वारा जांच कराए जाने पर उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं उनकी संख्या 11 है और इनके विरुद्ध निर्देशानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वसूली की प्रक्रिया, हाँ, उनके द्वारा जो मानदेय प्राप्त किया गया है उसके वसूली के संबंध में भी निर्देश प्राप्त है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।